पैसा मोटा है इज द ट्रांसफॉर्मेशन नमन यू चंदन एक बार मुंह खोल आकर एक और कह दीपक गया लेना पल्ली जी को पहली बोना छोटे को सत श्री अकाल मैं हूँ आपके अपना वीरेन मुंजाल। तो गाइस कैसे हैं आप सब, आज डेट है 13 अप्रैल और शाम के बज चुके हैं 4:30 और मैं अब जा रहा हूँ कुमथला। एक्चुअली नमन भाई के मम्मी पापा की आज मैरिज एनिवर्सरी है, मतलब तो फिर आज अंकल आंटी से केक कटवाने जा रहा हूँ मैं। ललित और तो वहीं पर हैं तो मैं अभी अब जाने लग रहा हूँ। जैसे कि नमन और चंदन भाई तो ऑस्ट्रेलिया ही हैं तो इसलिए मेरे पे नमन का फ़ोन आया था कि चला जाइए तू, तो मैं अब जाने लग रहा हूँ केक लेके। मैं तो तेरे को हराम ही समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। वैसे आज मेरी छुट्टी थी और कल भी छुट्टी है, एक्चुअली एग्जाम्स चल रहे हैं 3 दिन से, तो मतलब 3 दिन लगातार एग्जाम्स थे और अब सैटरडे को एग्जाम, तो 2 दिन की छुट्टी का ब्रेक मिला है। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं आपको वहीं जाकर, सेलिब्रेट करेंगे आपके साथ। तो गाइस केक तो ले ली, तो चलो अब चलते हैं केक कट करवाते हैं जल्दी जल्दी। फिर चाचू का फोन आया ये लाड़ो अभी जाना है कुछ, वहाँ से देव की बुक्स लेके आनी है मैंने, क्योंकि पहले तो बुक्स अंदर स्कूल में था पर वो अब चला गया, जैसे मतलब 4-5 दिन तक ही रहते हैं स्कूल में, तो वहाँ भी जाना पड़ेगा लाड़ो। फिर मिलते हैं आपको। सो गाइस आपको इस गांव की हालत देख के पता लग ही गया होगा कि हम कौन से गांव में पहुंच चुके हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? ये एक्चुअली हम गुमथला आ गए हैं, तो वो चलो अब ललित के घर चलते हैं, ललित को वहां से उठाते हैं फिर चलते हैं नमन के घर। तो गाइस इस गली की खास बात है कि बारिश होए ना होए धूप निकली हो जाए पूरी, पर फिर भी इस गली में पानी खड़ा होता है। ऐसा मेरे को ललित ने बताया था कि यहाँ की ये बहुत बड़ी कामयाबी है इस गांव की। तो गाइस मैं ललित और की गली में पहुंच चुका हूँ जो इनकी इनकी पर्सनल गली है, मतलब जो भी घर आई नहीं गए सारे आसपास के, पैसा ही बहुत है इन बताओ। तो गाइस क्रिश भी अपना जोंगा लेके पहुंच चुका है यहाँ पे। क्या हाल है भाई इसकी, ये मैंने लिखवाए थे पता लग रहा था तुम, मैं तो सारों को पता ये क्या गिफ्ट लेके आया भाई मेरे लिए यार, इतनी खुशी है मुझे। ये खड़ी गाड़ी ले रख दे, डर रहा यार तो यूं नहीं डर कर दे, घूम तो लेके होता हूँ। तो गाइस चलो ललित के कमरे में चलते हैं। ओ ये क्या पड़ा भाई, ललित और कस्टमर का है। ओ माय गॉड पूरा स्टॉक इकट्ठा करा ललित और ने, वाह जी वाह तकड़े जिम्मेदार है भाई, ये पैसा मोटा है। ओ ओ जब लोगों के स्टॉक खत्म हो जाएगा इन पर पूरा पड़ा रहा गया, इस तरह अंदर पड़े देख ललित भी डंगरों लाओ पढ़ावा दिखा एक कमरे में डंगरों की रखवाली करा यहाँ। क्या क्या बोला तूने, डर रहे हो क्या शाल की कार्बन कॉपी। ललित का भाई चुप चुप के देखते हुए हमको वीडियो खत्म हो जाएगी, इतना खड़ा रह गई थी। तो गुमथला के बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन हमारे साथ बैठ चुके हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? अब पूरे गांव में हमारी पूछ हो रही है, क्यों रहा चौक होगा क्या तू सुन के? नहीं है इम्पोर्टेंट तो यूं आ रही है बिल्कुल गांव के कोने में गिर रखा है, अलग इनके घर के लावर किसी घर ही नहीं है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे। तेरे अपनी गली खरीद रखी भाई, खरीद रखी भाई, वो कब्जा कर रखा था ने दुनिया का। इधर है कैसे और रिश्तेदार है क्या पता। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं नमन के घर पे, हियर इज द केक। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो गाइस ये नमन की फोटो जस्ट सॉरी, हियर इज द ट्रांसफॉर्मेशन।
क्या नाम इसका नमन यो चंदन रियली नमन ऐसा ही है ऐसा ही है नमन रुक जा फिर ठीक है समझ रहे हो भाई रुक जा यार अभी थोड़ी देर बहुत मनुष्य लग रहे हो मत करो रहने लो बहुत बुरे लग रहे हो तौबा 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 थारा मूड खराब कर दिया फिर मैं खा लियो हम तो घर चले जाएंगे ओए हाँ तू निकाल दियो इसे निकाल दो बाहर हाँ मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा थैंक यू सो मच सभी को नाम बताओ अपने तू आ जा तू आ जा तेरी कमी है खा लेना देख आ तो कर दे एक बार मुंह खोल आ कर देख भाई हेलो कौन है भाई वुमेन बेस्ट फ्रेंड्स काट लेना डे टू यू खाने की मशीन अंटी लाइट ऑन कर दो ललित दिख नहीं रहा सब क्या देखना पड़ रहा है मम्मी ने आने को ध्यान बना लिया तेरे अंकल का जीजू बेस्ट फ्रेंड्स तो गाइस हम रात को गुमथला की गड़िया में फिर रहे हैं गड़िया मार रहे हैं ललित के साथ अपने गांव में ही घूम रहा है ये शर्म नहीं आती इसको गांव के प्रधान होकर भी औरों को रोकना चाहिए इनको फिर हमने गांव का जांच रखनी पड़ती है ना भाई गांव क्या ओ गाँग मतलब तू वो आ रहा क्या क्या कहते हैं उसको पेट्रोलिंग पे आ रहा क्या हैं इन्हें तो उन्होंने कहा था थोड़े का था एक और कह दे पगेर लेना पल्ली जी ओ भाई मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है कह दे तो कम है तो गाइस हम नमन और के घर से आ चुके हैं और ये ललित और तो गाइस ललित और के घर से भी निकल चुके हैं मैं तो उस टाइम निकलने लग रहा था लेकिन अंकल आंटी आ गए फिर उन्होंने रोक लिया 5-7 मिनट उनके साथ खड़ा रहा बातें करते रहे तो अंकल आंटी का नेचर बहुत ही अच्छा लगा मेरे को तो मतलब वैसे भी ललित भी बहुत बढ़िया बंदा है पर अंकल आंटी का उससे भी ज़्यादा अच्छा नेचर लगा मेरे को तो शाम रात के 7:30 हो चुके हैं 7:45 हो चुके हैं तो चलो जल्दी जल्दी घर चलते हैं घर से भी फ़ोन आ रहे हैं बार फिर मिलते हैं आपको गाइस इस रोड पे बहुत सारे ट्रक वगैरह चल रहे हैं एक्चुअली सेट रेत वगैरह की खान है मतलब जो रेता वगैरह होता है ना रेता बजरी तो वहाँ पे यमुना में से निकलता है तो इसकी वजह से यहाँ पे रोड पे रात को बहुत ज़्यादा ट्रक चलते हैं तो इस वजह से मतलब बहुत भीड़ हो रही है रोड पे अभी मैंने 7-8 ट्रक पास करे लगातार लाइन में चल रहे थे आगे भी देखो एक ट्राली दिख रही है आपको तो चलो जल्दी जल्दी चलते हैं घर दौर से भी सामान लेना कुछ अभी तो 8 बज गए और यहीं पर
तो गाइस मैं यहाँ पे स्प्रिंग रोल लेने लग रहा हूँ, घूम फिला से तो आ गया, तो और स्पेशल स्प्रिंग रोल है यहाँ पे। ये आगे अल्टो कार वाला मेरे साथ रेस लगा रहा है, आगे नहीं आने दे रहा, साइड मांग रहा, साइड नहीं दे रहा। एक्सीडेंट क्यों होते हैं देखो, रोड पे चला रखी है कंबाइन वाली मशीन, मतलब दूसरी साइड मूव करके चला सकते थे लेकिन इसी साइड मूव करके चला रखा है, तो उसकी वजह से सारा मतलब धुआं धुआं होता है रस्ते पे और पता नहीं लगता कि गाड़ी कहाँ चली जाए किसी की भी, अगर कोई मतलब अनजान बंदा हो तो उसको पता नहीं लगने का, लोग समझते कहाँ हैं। तो गाइस फाइनली मैं भी गाँव में पहुँच चुका हूँ अपने, और आपको दिख रहा होगा टाइम 8:25, मतलब पूरा एक घंटा लग गया मैं कोने में, वहाँ से या हरिद्वार भी रुका इधर रास्ते में आपने देखा ही होगा। चलो घर चलते हैं, तो गाइस मैं घर आया था, देखा कि देव यहाँ पे बॉयल्ड एग कट कर रहा है, ये जिम जाते ना एक्चुअली, तो इसको बॉयल्ड एग प्रेफर किया वहाँ से खाने के लिए। बाय बाय टाटा गुड बाय गया, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो।